हेलो मेरे प्यारे आर्मी, पहले थैंक यू सो मच, बहुत सारा थैंक यू। आपने मेरे वन शॉट में इतना सारा प्यार दिया, मगर मैंने वन शॉट में बहुत ज़्यादा बड़ी गलतियाँ कर दी हैं एंड में। सो जो मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी, आई मीन उसका जो लास्ट पार्ट होगा कल जो मैं लाऊंगी, तो उसमें मैं वहीं से वीडियो दूँगी जहाँ से मैंने गलती इसको स्टार्ट किया था। तो आप वीडियो को फिर एंजॉय कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। उसमें मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल अभी हम नेवर एंडिंग स्टोरी पर चलते हैं, तो स्टोरी देखते हैं। सही है नामजून, सही है, तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। बड़ा हो गया ना बहुत ज़्यादा, मेरी तो चलती ही नहीं है। मुंह पे बोल दिया कि आप मेरे बीच में नहीं बोल सकते। मैंने तब पाला, ऐसे नुन्ना ही तो था जब पाला था, मेरी भी इतनी उम्र नहीं थी, पर आप ही समझ लो मुझे भी ऐसी पाला है, पर मेरी तो सुनता ही नहीं है। बड़ा हो गया ना। हाँ हाँ नामजून भैया, वो तो सब जानते हैं वो बड़ा है, वो 24 साल का हो चुका है ना। आपको नहीं लगता क्या? आपको बड़ा टाइम लग गया ना समझने में। तुम ये बकवास करते हुए पकते नहीं हो क्या? हाँ, ये फिर तुम्हें जबरदस्ती किसी भी चीज़ों में अपना मुंह घुसोड़ना जरूरी होता है। मुंह तो नहीं ना घुसोड़ते हैं, बस बक देते हैं। शट अप प्लीज़, शट अप हॉबी प्लीज़। अभी मेरा मूड बहुत ख़राब है, मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें धोदा दूँ। अच्छा ये बात कर दी तुम आज, कहाँ बात कर दी है नामजून भैया आज आपने हमारे दिल को ब्रोकन कर दिया है। आज हम बहुत सैड हो गए हैं आपकी बातों से। कसम से दिल पे ऐसा लग रहा है हमको कि किसी ने खंजर भोंके हैं तेज तेज से। आप हमसे प्यार नहीं ना करते हैं नामजून भैया, आप वो जंगकुआ से और उस बलौटे से प्यार करते हैं। हमने तो कोई बलबू ही नहीं है आपके सामने, क्या कीमत ही नहीं है हमारी आपके सामने। अब हॉबी सॉरी ठीक है, तुम शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाए? कोई नहीं, हम जी लेंगे तुम्हारे बिना। अच्छा सॉरी बोल तो रहा हूँ, तुमसे भी प्यार करता हूँ मैं, तुम सबसे प्यार करता हूँ मैं, सच में। अरे नामजून भैया कोई ज़रूरत नहीं है इसे बनाने की। नौटंकी कर रहा है नौटंकी, तुम भी बहुत बोलने लग गए हो, बता दे क्या तुम्हारे बारे में? ठीक है चुप करना। क्या बतानी थी बात मुझे बताओ ना। जंगकुआ की अरे वो कह रहा है कि ये बता देगा कि मैं जंगकुक से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ही गहरा मित्र है वो मेरा, तो बस वही बताने की कोशिश कर रहा है। अभी हम इस बारे में बाद में बात करते हैं ना। ज़्यादा नहीं बोलना आप हमारे बीच में। हाँ नहीं बोलूँगा। शुगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या इतनी जल्दी उसे मार दिया? नहीं नामजून भैया, जिंदा छोड़ दिया। उन दोनों के बीच कुछ बात चल रही थी, मैं बाहर चला गया था, जंगकुक ने कुछ काम बोला था और मुझे नहीं पता, शायद कुछ बात हुई होगी उन दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लगता है शायद जंगकुक को भी मिनू अंकल पे डाउट हो सकता है नामजून भाई। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मिनू अंकल ऐसा भी कर सकते हैं। बदला तो हम भी लेना चाहते हैं, मगर जंगकुक को देख के लगता है कि वो खुद को बहुत ज़्यादा ही पीछे छोड़ता जा रहा है। तब बदल गया है वो, गुस्से में तो वो बिल्कुल डिमोन जैसा दिखता है सच में। अरे वो राक्षस, चुप कर। पता है ना कारों के भी कान होते हैं, जंगकुक तक ये बात पहुँचेगी ना, हम दोनों के गले किसी पेड़ पे लटके हुए मिलेंगे। ओह हमको नहीं ना डराओ शुगा, हमारा दिल बहुत कमज़ोर है, हेल फाल हो गया तो क्या करेंगे हम। अभी हमको वैसे भी हमारे दिलरुबा के साथ जीने का मन कर रहा है। किसके साथ? वो हमारे बीच की बात है ना, तुमको बाद में बताएंगे विस्तार से। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिनू अंकल कैसे कर सकते हैं ये सब? मैं भी कुछ भी फैसला नहीं कर सकता। शायद नामजून भैया सही बोल रहे थे, मुझे थोड़ी और जानकारी निकालनी चाहिए इस बारे में। कुछ भी हो सकता है, पर कैसे? ओह गॉड। ड्राइवर तुम थोड़ी गाड़ी ले चलाओगे? आज मेरी छोटी घर आने वाली है और मैं नहीं चाहता किसे ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े अपने भाई से मिलने के लिए। 30 साल बाद आ रही है वो अमेरिका से। हाँ कितनी बड़ी हो गई होगी अब तो। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना अमीर होने के बावजूद भी घर में एक नौकरनी है, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। और मैं भी तो कर रही हूँ ना। हाँ, आप भी कर रही हैं मेरे साथ। ते वैसे जिंदगी का नाटक खत्म नहीं हुआ क्या अब तक? हाँ, अभी तो नागिन की शुरुआत हुई है। ओह गॉड, सच में अगर भाई ने देख लिया ना कि मैं ये काम कर रही हूँ तो वो तो जिंदगी को छोड़ेंगे नहीं। तो आप जिंदगी की बहन है? हाँ, मैं जिंदगी की बहन हूँ। ओह, वैसे कभी बताया नहीं उन्होंने। मुझे भी कुछ टाइम पहले ही पता चला। क्या? नहीं, वैसे तुम बताओ, तुम कब से अमेरिका में हो? जब मैं 10 साल की थी तभी मुझे जंगकुक भैया और नामजून भैया ने अमेरिका भेज दिया था पढ़ाई के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो वो कर रहे हैं उसमें मैं पढ़ूँ। वो कुछ नहीं। तुम बताओ, मैं जंगकुक भैया कैसे लगते हैं? मुझे तो बहुत पसंद है। एक्चुअली ना, मैं तो उनको जब पहली बार देखी थी ना तभी फ्लैट हो गई थी। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे भाई भी मुझ पर फ्लैट है। सच में? हाँ, तुम्हें पता है क्या हुआ? जब मैं खड़ी हो रही थी ना तो उन्होंने जानबूझकर, सच्ची बता रही हूँ मैं तुमको, उन्होंने जानबूझकर पैर आगे करा और मुझे खुद पर गिरा लिया। मैं तो उठ रही थी तब भी मुझे पकड़ के रखा। वो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे किस करने वाले थे, इतने पास आ गए थे मेरे। पर मैंने अपने आप पर कंट्रोल करा और उन्हें खुद से दूर करा। मुझे प्यार करते हैं, मुझे लगता है वो। इतनी जल्दी? हाँ, वो पहली नज़र वाला प्यार होता है ना, वही जो मुझे हो गया वही उन्हें हो गया। अच्छा, यकीन तो नहीं हो रहा। अरे यकीन करो जिमीना, करो यकीन। और हाँ, ये बात ना अपने भाई को मत बताना। वो क्या है ना, तुम्हें तो पता ही है, वो माफिया जो है भरोसा थोड़ी ना करेगा इस बात पर कि वो मुझसे प्यार करता है। तो ये बात हमारे बीच में रहेगी, ठीक है? ठीक है। लगता तुम्हारा भाई आ गया, तुम इसे संभालो, मैं देख के आती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। आ गए आप, आइए। तो तुम समझ रही हो ना, मैं वो नहीं हूँ। हाँ, वो तो मुझे भी दिख रहा है। हटो सामने से। प्यार से भी बोल सकते हैं भाई आप। ओह, मुँह से इतने फूल कैसे बरस गए भाई। हाँ तो अब यहाँ रह रही हूँ तो थोड़ा इज्जत भी देनी पड़ेगी आपको। हाँ बिल्कुल, झूठी इज्जत। चलो हटो सामने से, इज्जत के लायक नहीं है बिल्कुल। दिल कहे कि आज तो छुपा लो तुम पनाहों में, के डर है तुमको खो दूंगा। आपको अंदर नहीं आना ना है ना, इस घर में भी आना है और आपके दिल में भी आना है। क्या? अरे हम कह रहे हैं कि खो गए थे थोड़ी देर के लिए आपकी बोटी में। किस में खो गए थे? आपकी सुंदरता में। ओह अच्छा, लगता है पागल है। आइए ना अंदर, आइए अंदर आके देखिए हमारी बूटी। हाँ, जी। वैसे तुम्हारे दोस्त नहीं आए? अच्छे पीछे आ रहे हैं। वैसे आप काहे पूछ रही हैं? मैं तो ऐसी पूछ रही थी क्योंकि दिख नहीं रहे थे ना, इस वजह से। ओह भैया, ओए छोटी तू कितनी बड़ी हो गई है। तूने फोन क्यों नहीं किया? मुझे फोन करना चाहिए था ना, मैं या फिर जंगकुक से लेने आ जाते। अरे भैया टेंशन मत लो, मैं वैसे भी भाई की गाड़ी में ही आई हूँ। वो क्या है ना, मैं तो सरप्राइज़ देने का सोच रही थी आप लोगों को, पर गाड़ी ही नहीं मिली, इसलिए मुझे मजबूरन भाई को फ़ोन करना पड़ा। चल कोई नहीं। जिमिन कितनी खूबसूरत हो गई है और इतनी बड़ी भी। दोबारा से प्यार हो गया मुझे। कहे कि आज तो छुपा लो तुम पनाहों में, के डर है तुमको खो दूंगा। दिल कहे संभल जरा खुशी को ना, नजर लगा कि डर है मैं तो रो दूंगा। करता हूँ सौ वादे तुमसे, बांधे दिल के। ऐसे नहीं बताड़ो उनको, नजर लग गई ना तो जंगकुक तो ये नजर बट्टू बना के टंगा देंगे कहीं। ठीक है, मैं कहाँ घूर रहा हूँ, वैसे भी आप हमको पागल काहे बना रहे हो। ज़्यादा नहीं बोलो हमसे झूठ, हमको सब पता है। रात को जिमिन बहनिया की फोटो छाती पर लगा लगाए घूमते हो, सब जानते हैं हम तुम्हारे बारे में, बताएं क्या सबको। ठीक है ना, हॉबी हम दोनों की बात है ना, बीच की तो किसी को ले आता है बीच बीच में। अब बोले ना।